हेलो गाइस, तो हम बात कर रहे थे एग्रोनॉमी JRF 2014 के सोल्व क्वेश्चन पेपर के बारे में बात, ठीक है। तो जिसका पार्ट फर्स्ट हमने कल भी सोल्व कर लिया है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से पार्ट फर्स्ट देखिए, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में हमने सोल्व कर लिए थे 50 क्वेश्चन हमारे जो एग्रोनॉमी JRF में पूछे गए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं 51st क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन तक, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और पास के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें जिससे कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, 51st क्वेश्चन है हमारा, प्लांट दैट्स ग्रो इन टू कंस्ट्रेंटिंग कंडीशन सच एज इन वाटर एंड ऑन लैंड आर नोन एज, तो यानी वे प्लांट्स यानी वे पौधे जो भूमि और वाटर दोनों पर उगे होते हैं, याद रखना जो पानी में भी उग सकते हैं और भूमि में भी उग सकते हैं, तो वह कौन से कहलाते हैं हमारे, एम्फीफाइट्स कहलाते हैं। उन पौधों को क्या कहा जाता है, एम्फीफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। एक कंडीशन दी गई है कि वो जल में भी उग सकते हैं और भूमि पे भी उग सकते हैं, तो उन प्लांट्स को किस नाम से जाना जाएगा, एम्फीफाइट्स के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कन्वर्जन ऑफ NO3 माइनस इनटू N2, यानी याद रखना कि NO3 क्या है हमारे यहाँ पर, नाइट्रेट है, नाइट्रेट का नाइट्रोजन में चेंज होना क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और ये मुख्य क्रिया किस में होती है, हमारे जो पेडी राइस होता है ना यार, कहाँ जो हमारे चावल होते हैं उसके खेत में सबसे ज़्यादा नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन ये होता है, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन होता है हमारे अनएरोबिक कंडीशन में, जो पेडी और राइस होता है तो उसके फील्ड में क्या होता है कि अनएरोबिक कंडीशन में तो क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन, और वैसे होता है नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, इस टर्म को भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फॉर्म्ड कंपाउंड ड्यूरिंग क्रेब साइकिल, याद रखना कि जो क्रेब साइकिल है तो उसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है तो वह कौन सा बनता है हमारा, क्रेब साइकिल में पूछा है, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड बनेगा। अब इससे संबंधित एक और क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं कि जो C3 प्लांट्स होते हैं और C4 प्लांट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें C3 प्लांट्स की, ठीक है। तो C3 प्लांट्स में जो फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो वह कौन सा बनेगा, PGA, इसको भी आप नोट कर ले क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो C3 जो साइकिल बनती है तो उसमें कौन सा बनता है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, तो PGA है, इसकी फुल फॉर्म है कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। जबकि C4 में कौन सा बनता है हमारा, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, ठीक है, OAA यानी ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड बनता है। ये तीनों ही क्या है, क्रेब साइकिल में हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा सिट्रिक एसिड, C3 में बनेगा हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और C4 में बनेगा हमारा ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकमेंडेड ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टर फॉर हाइब्रिड मेजेस, तो यानी जो हमारा हाइब्रिड मेज होता है, यानी संकर मक्का में पूछिए कि प्लांट पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 60 to 70,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम इज द बॉटनिकल नेम, आप जानते ही होंगे कि ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम किसका बॉटनिकल नेम है, बरसीम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड रेट पर हेक्टर ऑफ निकोटीन रस्टिका, जो हमारे तंबाकू है निकोटीन रस्टिका, तो उसकी सीड रेट पूछी है यहाँ पर, तो कितनी होती है, 1 to 2 kg प्रति हेक्टर, ठीक है, प्रति हेक्टर पूछी है, याद रखना कि 1 to 2 kg ही होती है क्योंकि इसके बहुत ही बारीक कण बारीक सीड होते हैं, इसलिए 1 to 2 kg ही सीड रेट होती है किसकी, तंबाकू की। अब बात करते हैं एक और इससे क्वेश्चन उठता है कि याद रखना इसके जो सीड रेट होती है यानी जो टेस्ट वेट होता है, वैसे टेस्ट वेट कितना का किया जाता है, आपको पता होगा कि टेस्ट वेट कितने का होता है, 1000 सीड का होता है, ओके लेकिन अगर तंबाकू की बात की जाए, याद रखना वैसे तो 1000 का किया जाएगा टेस्ट वेट, लेकिन अगर बात करते हैं तंबाकू के, इसमें क्या होता है कि 10,000 सीड का टेस्ट वेट किया जाता है, एक अपवाद है एक तंबाकू, तो इसमें जो टेस्ट वेट करेंगे तो वह कितने का करेंगे, 10,000 का टेस्ट वेट करते हैं, ओके, इसको भी आप पॉइंट को नोट कर ले क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड रेट प्रति हेक्टर ऑफ सैकेरम ऑफिसिनम, जो हमारी गन्ना की सीड रेट कितनी होती है, तो 60 to 75 क्विंटल प्रति हेक्टर, ठीक है, सैकेरम ऑफिसिनम की। वो कॉइंड द टर्म रिले क्रॉपिंग, तो रिले क्रॉपिंग जो टर्म दी थी वह किसने के द्वारा दी थी, बलवंत राज के द्वारा दी गई थी, याद रखना जो रिले क्रॉपिंग जो टर्म दी गई थी वह किसके द्वारा दी गई थी, डॉक्टर बलवंत राज के द्वारा दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 क्वेश्चन है कि अमन राइस इज सोन इन, जो अमन राइस की इसमें बुआई टाइम पूछा गया, सोविंग टाइम कितना होता है, ठीक है, एंड सोविंग टाइम क्या है, अस अमन और बोरो, ये तीनों टर्म किससे संबंधित है, राइस से, राइस की जो बुआई का टर्म है, बुआई का समय है, तो उसमें एक तीन टर्म यूज़ की गई, ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी अस, फिर आती है हमारी अमन और फिर लास्ट में आती है हमारी बोरो, ठीक है। तो इन तीनों को हम सोल्व करते हैं कि सबसे पहले आती है अस, तो अस की जो बुआई टाइम होती है यानी सोविंग का टाइम होता है वह कौन सा होता है, अप्रैल मई, जैसे आप पहला ऑप्शन देख सकते हो। सेकेंड होती है हमारी अमन, तो इसका जो सोविंग टाइम क्या होगा हमारा, जून और जुलाई, ठीक है, और लास्ट का है हमारा बोरो, तो इस बोरो का क्या होगा हमारा सोविंग टाइम, बोरो की बात कर रहे थे हम,
तो इसका होगा नवंबर दिसंबर, ठीक है, तीनों क्लियर हुए। अस अमन बोरो, तो अस का होता है अमन, अप्रैल अप्रैल और मई, और अमन का होता है अस, अस का तो यहाँ पर बात कर रहे जून जुलाई, सॉरी जल्दीबाजी में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप याद रखना अस अमन बोरो, इन तीनों को आप याद रखो ना, बस इनसे आपको याद डायरेक्ट हो जाएगी। तो अप्रैल मई, अमन हमारा जून जुलाई, और बोरो हमारा नवंबर दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग सीडलिंग्स फॉर 1 हेक्टर ट्रांसप्लांटिंग पेडी, यानी जो हमारा राइस है, तो राइस के जो 1 हेक्टर के लिए जो सीडलिंग या जो पौध तैयार करेंगे, याद रखा 1 हेक्टर में हम उनको पौध लगानी है, और उसके लिए जो नर्सरी है, तो वह कितने हेक्टर जो उसके यानी उसका एरिया कितना होना चाहिए, जो नर्सरी तैयार करेंगे तो उसका एरिया कितना होता है, 500 से 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना रखा जाएगा, 500 से 1000 मीटर स्क्वायर में पूछा है, ठीक है, यूनिट है मिलीमीटर स्क्वायर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एम्पेरियल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, तो यानी हमारे क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला है तो वह कौन सा होता है, C55H72O5N4 मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीशियम का फॉर्मूला यानी क्लोरोफिल का फॉर्मूला है। अब याद रखना कि क्लोरोफिल का एक मुख्य क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल में मुख्य कौन सा घटक होता है, क्लोरोफिल का मुख्य कौन सा घटक होता है, तो आप देख सकते हो कि मुख्यतः कौन सा घटक है इसका, मैग्नीशियम, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप नोट कर लें कि क्लोरोफिल का मुख्य तत्व कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्रूट ऑफ लिनसीड इज नोन एज, यानी जो अलसी के फ्रूट को किस नाम से जाना जाता है, सीड बॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट कॉमर्शियली कल्टिवेटेड जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो आनुवंशिक रूपांतरित होते हैं, तो वह जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ की जाती है, ठीक है, कॉमर्शियली पूछा है, तो सबसे ज़्यादा जेनेटिकल मॉडिफाइड जो क्रॉप ली जाती है तो वो कौन सी है हमारी इंडिया में, तो है सबसे ज़्यादा कॉटन, यानी सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं हम, बीटी कॉटन को सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है कहाँ पर, इंडिया में। और सबसे अगर एक और इससे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले किस में जेनेटिकल मॉडिफाइड किया गया, तो याद रखना सबसे पहले यूज़ किया गया था टोबेको में, और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है यानी कॉमर्शियली कल्टिवेटेड, यानी सबसे ज़्यादा खेती किसकी की जाती है, जबकि कॉटन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेंट्रल ऑफ ओरिजन ऑफ सोयाबीन इज, तो सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान हमारा चाइना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेज इज ए प्लांट, तो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स है, ठीक है, इसने पोलिनेशन के आधार पे पूछा है क्वेश्चन, तो मेज इसका कौन सा होता है हमारा, क्रॉस पोलिनेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन अपलैंड राइस, तो यहाँ पर याद रखना कि जो हमारा राइस की जो क्रिटिकल स्टेज होती है तो वो कौन सी होती है हमारी इरिगेशन की, तो पेनिकल इनिशिएशन, ठीक है, अपलैंड राइस में पूछी है, तो सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी होंगे हमारी, पेनिकल इनिशिएशन, और जो राइस का जो इन्फ्लोरेंस होता है तो वह क्या कहलाता है, पेनिकल कहा जाता है, ठीक है। सोरगम और राइस दोनों का ही इन्फ्लोरेंस क्या कहलाता है, पेनिकल कहलाता है, ठीक है। उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं और या फिर आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा में करा रहे हैं तो उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट टॉक्सिक आइसोमर इन BHC, यानी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का जो मोस्ट टॉक्सिक आइसोमर यानी बहुलक है, तो वह कौन सा है, याद रखना कि अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई आइसोमर, तो आइसोमर क्या होते हैं, यानी फॉर्मूला सेम होते हुए, ठीक है, तो आइसोमर क्या कहलाते हैं, फॉर्मूला सेम होते हुए भी अगर स्ट्रक्चर में जो चेंज आते हैं, जो यानी फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर में यानी संरचना में जो चेंजेस आते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। तो इसने पूछा है कि जो टॉक्सिक आइसोमर है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का, वह कौन सा है हमारा, गामा आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी इज लोकेटेड, यानी जो सेंट्रल सीड लेबोरेटरी है वह कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैज पोटेटो सुगर कैन रतून ग्रीन ग्राम इज ए क्रॉप रोटेशन, इसने पूछा है क्रॉप रोटेशन, और कितनी क्रॉप्स दी है हमारे को, यहाँ पर इतनी सारी क्रॉप्स दी है, ठीक है, इनकी क्रॉप रोटेशन अपन को निकालना है, तो क्रॉप रोटेशन आप जानते होंगे कि यानी प्रति साल, यानी एक साल में कितनी क्रॉप ले सकते हैं अपन, 2 या 3 ले सकते हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक सोल्व क्वेश्चन होगा। तो याद रखना कि दोनों सीजन में ले रहे हैं, ठीक है, मेज ले लिया और पोटेटो ले लिया, ठीक है, एक साल इसकी होगी, सेकेंड ईयर शुगर कैन, तो शुगर कैन याद रखा 12 मंथ का तो मिनिमम होता है, तो याद रखा इसकी एक साल मानी जाएगी, एक साल हो गई इसके शुगर कैन की, एक साल हो गई, और रतून और ग्रीन ग्राम, तो ग्रीन ग्राम है एक कैच क्रॉप यानी शॉर्ट क्रॉप है, शॉर्ट टाइम की क्रॉप है ग्रीन ग्राम, और रतून ले रहे हैं, ठीक, रतून हो गई मान ले इसको 8 महीने की या 9 महीने की मान लो, तो ग्रीन ग्राम हो जाएगी अपने 3-4 महीने की, ठीक है, यानी एक कैच क्रॉप के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है। तो कितने साल हो गए अपनी, 1, 2 और 3, फर्स्ट 2 और 3, तो ये हमारी कौन सी हुई कि आप क्रॉप रोटेशन, 3 साल, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक याद रखना क्रॉप रोटेशन में, याद रखना कि जो भी हमारी हरी खाद के लिए यूज़ किया जाएगा, याद रखना जो भी ग्रीन मेन्यूर ली जाती है तो वह क्रॉप रोटेशन में नहीं मानी जाती है, याद रखना
कि हरी खाद अगर इसमें इंक्लूड कर दी जाए यानी ग्रीन मैन्यूर अगर बीच में लिख दिया जाए तो उसको आप ऐड नहीं करोगे। ओके, इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि एक अपवाद है कि हरी खाद को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है क्रॉप रोटेशन काउंट करते समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो टिलेज इज सक्सेसफुल इन इंडिया फॉर द सोविंग ऑफ, यानी जो हमारे जीरो टिलेज है सक्सेसफुली यानी सबसे पहले यूज़ किस में किया गया था जो कि आसानी से यूज़ हो गया था। तो याद रखना जो व्हीट क्रॉप में राइस और व्हीट सिस्टम यानी सबसे पहले कहाँ कौन सा सिस्टम में अपनाया गया था, राइस प्लस व्हीट। जीरो टिलेज किस में अपनाई गई थी, राइस और व्हीट में सबसे पहले यूज़ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड एज व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, हमारी कॉटन को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पल्पी नेचर ऑफ ब्रेड मेड अप ऑफ व्हीट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो यानी फ्लपी नेचर यानी जो फूलते हैं ना हमारी जो रोटियां बनाते हैं तो वह क्यों किसके कारण फूलती है, तो याद रखना जो ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है किसमें, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाए जाने के कारण क्या होती है, वह फूल जाती है, आसानी से फूल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के हेलियोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मीजर, यानी जो हेलियोग्राफ के द्वारा किसे मापा जाता है, तो याद रखना हेलियोग्राफ के द्वारा एक्चुअल हावर इन सनशाइन जो हमारे यानी धूप के जितने यानी एक्चुअल घंटे यानी कितने घंटे धूप पड़ी थी उसको काउंट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, हेलियोग्राफ का यूज़ किया जाता है। जबकि एक और इससे संबंधित है हेलियोमीटर किसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, हेलियोमीटर की अगर बात की जाए तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट जो सनशाइन आ गया मैंने जो डायरेक्ट धूप आएगी ना तो वह कितनी गति से आ रही है उसकी रेट मापता है। ठीक है, उसकी रेट मापेगा कौन, हेलियोमीटर, और उसको यानी जो कितने एक्चुअल कितने घंटे आई है तो उसको कितना मापेगा, हेलियोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट फेज ऑफ वाटर इरोजन इज, वाटर इरोजन की जो फर्स्ट फेज होती है वह कौन सी होती है, हमारी स्प्लैश इरोजन, जिसमें क्या होता है कि जो जैसे कि हमारा वाटर इरोजन है यानी बारिश हुई तो जैसे ही यानी ये कण है मर्दा के तो ये क्या होते हैं, छिटक जाते हैं, यानी यहाँ से वो जो कण उठ के क्या होता है दूसरी स्थान पर गिर जाते हैं यानी थोड़े छिटक जाते हैं, तो वही क्या कहलाती है, स्प्लैश कंडीशन कहलाती है। तो सबसे पहले यही कंडीशन होती है, इसके बाद में क्या होती है कि ये परत बन जाती है पानी की। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो सीड इरोजन कहलाते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं, फिर आती है रिल और फिर लास्ट में आती है हमारी गली। तो और इसका राइट आंसर है हमारा स्प्लैश इरोजन, स्प्लैश के बाद में आती है सीट इरोजन, सीट के इरोजन के बाद में आती है रिले इरोजन और रिल के बाद में आती है हमारी गली इरोजन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, तो इन सभी स्टेज को याद रखें। ठीक है, और सबसे जो खतरनाक स्टेज होती है तो वह कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है तो वह कौन सी होती है, सीट इरोजन, क्योंकि यह किसानों को आसानी से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज ऑब्जर्व इन मूंग बीन, यानी उसमें किस टाइप का जर्मिनेशन होता है, यानी जो अंकुरण होता है वह जमीन के अंदर होता है या फिर जमीन के ऊपर होता है, तो उसके आधार पर किसमें यानी पूछा है इसने, मूंग बीन में, यानी मूंग में पूछा है, तो उसमें किस प्रकार का अंकुरण होता है, तो याद रखना जो ईपीजीएल होता है इस प्रकार का होता है, मूंग में जो जर्मिनेशन होता है वह ईपीजीएल टाइप का होता है। तो ईपीजीएल क्या होता है, याद रखना ईपीजीएल होता है कि या तो इसका अंकुरण क्या होता है जमीन की सरफेस पर होगा या फिर इसके थोड़े ऊपर साइड होगा। ठीक है, तो मूंग का कैसे होता है, ऊपर होता है। अगर बात करते हैं हाइपोजियन, तो हाइपोजियन क्या होगा, जिसे यानी यहाँ पर सीड हमने गोया तो यहीं पर क्या होता है उसका अंकुरण हो जाता है, तो यहीं से क्या होगा अंकुरण, यहीं से पौधा निकल जाता है, तो वह कहलाता है हाइपोजियल। अगर सरफेस पे हो रहा है यहाँ पर सीड है, ठीक है, यहाँ पर सीड आकर अंकुरण हो रहा है, तो वह क्या कहलाता है, ईपीजियल कहलाता है, और ये कहलाता है हाइपोजियल। ठीक है, इन दोनों टर्म को आप याद रखें क्योंकि कई बार क्वेश्चन इन दोनों टर्म से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्शन ऑफ शुगर कैन सेट्स इन मेड फ्रॉम, यानी जो सिलेक्शन या हम यानी गन्ने का कौन सा पार्ट सिलेक्शन करते हैं उसके दूसरी बार खेती करने के लिए, अगर मान ले गन्ने के सेट्स का हम यूज़ करते हैं कौन से पोर्शन का यूज़ करेंगे, तो याद रखना जो अपर का होता है टॉप पोर्शन होता है टॉप 1/3 पोर्शन का ही यूज़ करते हैं इस टाइम का, वही यूज़ किसमें सेट्स के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की टिलेज कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय, यानी जो टिलेज क्रिया है किसके द्वारा दी गई थी, जेथ्रो टुल के द्वारा दी गई, इससे संबंधित याद रखना कि टिलेज और वीड दोनों ही टर्म किसके द्वारा दी गई थी, जेथ्रो टुल के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर इन सोइल एन, यानी जो हमारा अवेलेबल वाटर है कितने एटमोसफियर पर पाया जाता है, तो वह 1/3 बार पर, और ये बार किसकी है, एक यूनिट, बार ये एक यूनिट है याद रखना, एटमोसफियर प्रेशर के यानी जो वायुमंडल दाब है उसकी एक यूनिट है बार, और कितने बार पर पाया जाता है हमारा अवेलेबल वाटर, 1/3 बार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पीजोमीटर इज यूज टू मीजर, पीजोमीटर को किसके द्वारा गणना की जाती है, तो पीजोमीटर की गणना है डेप्थ ऑफ सॉइल, यानी पीजोमीटर के द्वारा किसके द्वारा मापा जाता है, जो यानी जो किसकी जल की गहराई को मापा जाता है पीजोमीटर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनटू सॉइल फ्रॉम सॉइल सरफेस इस टर्म है, यानी जो हमारे डायरेक्ट अगर पानी यहाँ पर है तो यानी उसका डायरेक्ट क्या होता है, सोइल के अंदर जाना ही क्या कहलाता है, याद रखना कि इसने पूछा है कि पानी का मृदा के सरफेस से डायरेक्ट अंदर जाना।
क्या कहलाता है, तो इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फाइबर क्रॉप्स, यानी कौन सी जो हमारी एसोसिएटेड टर्म है जो फाइबर क्रॉप से संबंधित है। तो याद रखना यहाँ पर रेटिंग है ना, यह रेटिंग क्या कहलाती है, पहले तो बात करते हैं कि रेटिंग क्या कहलाती है। तो रेटिंग होती है हमारा कोई स्टेम है, ठीक है, स्टेम से क्या होता है, रेसे को हटाना क्या कहलाता है, रेटिंग कहलाता है, जो कि किससे संबंधित है, जूट से संबंधित है। ठीक है, रेटिंग मुख्यतः जूट से संबंधित है, इसलिए किससे संबंधित है, फाइबर क्रॉप से संबंधित है। अगर बात करें निपिंग के संबंधित तो चने से संबंधित, क्यूरिंग की बात करें तो क्यूरिंग हमारा जो टोबैको होता है तो वह तंबाकू से संबंधित है, और प्रोपिंग होती है हमारी गन्ने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हु इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इन इंडिया, यानी मेट्रोलॉजी का जो हमारा जनक है वह भारत में कौन है, तो एले रामदास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पायरिकुलेरिया ओराइज इज द कोजल ऑर्गेनिज्म, जो पायरिकुलेरिया ओराइजी का जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है तो वह किस कौन होता है, तो ब्लास्ट ऑफ पेड्डी। ठीक है, ब्लास्ट डिजीज को कोज करता है कौन सा हमारा, पायरिकुलेरिया ओराइजी, किसमें, चावल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ पी, सीरियस डिजीज मेजर डिजीज पूछी है, पी यानी मटर की पूछी है, तो कौन सी होती है, उसमें पाउल्ट्री मिल्टी होती है, जो कि किसके द्वारा होती है, एक कवक के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर कोकल डिजीज ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय, एयर कोकल डिजीज होती है हमारे वीट में तो वह किसके द्वारा होती है, निमेटोड के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिक्का डिजीज इज रिलेटेड विद ब्राउन नट के द्वारा होता है, सर्कोस्पोरा अरिचिडिकोला, इसको भी आप याद रखें, इसका कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा है, सर्कोस्पोरा अरिचिडिकोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय, तो ब्लैक रस्ट डिजीज होती है हमारे वीट में तो वह किसके द्वारा होती है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टेट्रिसाई के द्वारा होती है, जबकि अगर पूछे ब्राउन रस्ट को किसके द्वारा होती है, तो पक्सिनिया रिकोंडिटा टेट्रिसाई के द्वारा, और ये अगर पूछे कि येलो रस्ट यानी पीली जो हमारे रस्ट होती है किसके द्वारा, येलो का दूसरा नाम क्या है, स्टिफॉर्मिस, तो याद रखना कि पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस टेट्रिसाई के द्वारा येलो रस्ट होती है, ब्राउन रस्ट होती है हमारे रिकोंडिटा के द्वारा, और ब्लैक रस्ट होती है हमारे ग्रेमिनिस के द्वारा। ठीक है, इन तीनों ही रस्ट को आप याद रखें, और तीनों ही रस्ट किस में पाई जाती है, वीट में पाई जाती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इनसे पूछा जा चुका है, इसलिए इन तीनों रस्ट को आप याद रख ले, और तीनों रस्ट के जो लर्मा रोज हो शायद वेराइटी छोड़ो, फर्स्ट इंडियन सीड एक्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग, यानी जो हमारा फर्स्ट सीड एक्ट पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1966 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस हैविंग लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, जो ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा योगदान देती है तो वह कौन सी ग्लोबल वार्मिंग कौन सी गैस है, तो याद रखना जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कितने परसेंट योगदान देती है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी परसेंट, 55%। ठीक है, जबकि अगर बात करते हैं सेकंड नंबर के, तो यानी सिर्फ 55 तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ठीक है, और मेथेन होती है हमारे 25% करती है, सीएफसी की बात करें तो ये 10 से 15% करती है, और सबसे कम की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड करती है, जो कि 3 से 4% करती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा गैस जो ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा योगदान देती है तो वह कौन सी होती है, तो CO2 होती है। ठीक है, और बात करते हैं सबसे कम की नाइट्रस ऑक्साइड, सबसे कम है नाइट्रस ऑक्साइड, सबसे ज़्यादा है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों ही क्वेश्चन को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एक्सपेरिमेंटल हैज बीन कंडक्टेड इन RBD विद 6 वेराइटी एंड 4 रिप्लिकेशन, द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 24। ये एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को हम बाद में सोल्व कर लेंगे, अभी तो हम डायरेक्ट वीडियो करते हैं। ठीक है, वाइट बर्ड ऑफ मेज इज कॉज्ड बाय, जो वाइट बर्ड डिजीज होती है तो वह मेज से संबंधित, और मेज में किसके द्वारा होती है, याद रखना कि जो हमारे जिंक है तो उसकी कमी के द्वारा करो तो वाइट बर्ड डिजीज मेज में हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेरेनियल लेगम, तो पेरेनियल क्या होता है, बहुवर्षीय कौन सी होते हैं, स्टाइलोसेंथिस, क्या नाम है इसका, स्टाइलोसेंथिस। ठीक है, पेरेनियल क्रॉप है और किससे संबंधित है, लेगुमिनेसी फैमिली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच इज मोस्ट सुटेड टू वाटर लॉक्ड कंडीशन, यानी जो कौन सी क्रॉप है जो वाटर लॉक्ड कंडीशन, अब बात करते हैं वाटर लॉक्ड क्या होती है, यानी जल जलमग्न क्षेत्र के लिए कौन सी क्रॉप सुटेबल है, तो याद रखना जो पैराग्रास है तो वह है जलमग्न कंडीशन के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 1 हेक्टर सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यानी 1 हेक्टर सेंटीमीटर में पूछा है कि एक यूनिट क्या होती है, यानी 1 हेक्टर सेंटीमीटर के बराबर जो यूनिट होती है वह कौन सी होती है, तो हमारे 100 मीटर क्यूब, याद रखना है जो 100 मीटर क्यूब है उसे ही क्या बोल सकते हैं, 1 हेक्टर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, विच इज़ नोन एज फील्ड बाइंड वीड, तो यानी किसका कॉमन नेम है, फील्ड बाइंड वीड, एक इंग्लिश नेम है याद रखना, और किसका नाम है ये,
हिरण कुरी होती है ना हमारी, कन्वोलिस आरवेंसिस, कारण वो कन्वोवुलस आरवेंसिस का ही इंग्लिश नेम क्या है, फील्ड बाइंड वीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज नोन एज मिरेकल वेराइटी पेटी, जो चावल की जो जादुई वेरायटी है कौन सी है हमारी, IR8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामधेनु इज ए ब्रीड ऑफ, कामधेनु किसकी नस्ल है, तो गोट की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ फ्लोवरिंग इज शुगर कैन नोन एज, जो शुगर कैन में फ्लोवर आता है तो उसे क्या बोला जाता है, एरोमिंग बोला जाता है। और एरोमिंग तो आप जानते ही होंगे, लेकिन एक और टर्म यूज़ की जाती है एरोमिंग के लिए, याद रखना कि ओपन पेनिकल। तो एरो क्या होते हैं, जो एरो होते हैं तो वह क्या कहते हैं, ओपन पेनिकल। ओपन पेनिकल को ही क्या कहते हैं, एरोविंग कहा जाता है, इसको भी आप याद रख ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन, जो कोरिलेशन कोफिशियंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखना -1 से +1 के बीच ही होगी कोरिलेशन कोफिशियंट की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हेक्टर हाइएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन इन राइस, तो सबसे ज़्यादा जो होता है फर्टिलाइजर का उपभोग कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है हमारा, नहीं सॉरी पांडिचेरी तमिलनाडु, ओके पांडिचेरी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर कंजप्शन उपभोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल न्यूट्रिएंट कॉन्सेप्ट पोस्टुलेटेड बाय, जो हमारी कार्यात्मक पोषक तत्व की जो दिया गया, तो भाई किसके द्वारा दिए गए थे न्यूट्रिएंट, भाई निकोलसन के द्वारा दिए गए थे, निकोलसन निकोलस या फिर निकोलसन भी बोल सकते हो। तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट जो कार्यात्मक तत्व दिए गए थे भाई किसके द्वारा दिए गए थे, निकोलस के द्वारा दिए गए थे। और कौन कौन से तत्व थे, अगर बात करते हैं कौन कौन से तत्व थे, तो कोसीना, इसको याद करने की कौन सी ट्रिक हमारी, कोसीना, तो इसमें चारों आपने आ जाएंगे, तो कोबाल्ट वेनेडियम सिलिकॉन और सोडियम। ठीक है, ये चारों तत्व कार्यात्मक तत्व के नाम से जाना जाते हैं, जो कि निकोलसन के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन SRI सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन I स्टैंड्स फॉर, यानी यहाँ SRI की फुल फॉर्म में I किसको रिफर करता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम SRI की फुल फॉर्म के बारे में, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसको भी आप याद रख लें कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो अब बात करते हैं कि I क्या है, यहाँ पर इंटेंसिफिकेशन, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिमम सीड रेट पर हेक्टर ऑफ लिनसीड, जो अलसी की सीड रेट पूछी है, तो कितनी होती है हमारी, अलसी की सीड रेट होती है हमारी 20 से 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड सेलिब्रेटेड ऑन, यानी जो हमारा खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना कि 16 सितंबर को, इससे याद रखना कि 16 सितंबर को हमारा विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जबकि 16 अक्टूबर को हमारा क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इन दोनों ही टर्म को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस कहाँ पर स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस है हमारा मध्य प्रदेश, जो कि भोपाल में है, और भोपाल कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एसिड रेन्स इज मेनली ड्यू टू, यानी जो हमारी जो अम्लीय वर्षा होती है, तो किसके कारण मुख्यतः होती, तो मुख्य कारण अगर पूछा जाए तो याद रखना सल्फर डाई ऑक्साइड होती है, लेकिन अगर पूछा जाए नॉर्मली तो किसके द्वारा होती है, एसिड ड्रेन, तो याद रखना सल्फर डाई ऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड दोनों के द्वारा ही एसिड ड्रेन होती है, लेकिन इन दोनों में से ही पूछा जाए, अगर दोनों ही ऑप्शन में आए तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, सल्फर डाई ऑक्साइड ही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एडवांटेज LER शुड बी, यानी जो हमारा LER कब यूजफुल होगा, तो जब इसकी वैल्यू कितनी होगी LER की, 1 से 1 अबव। ठीक है, 1 से अधिक LER की वैल्यू होगी तो वह हमारे लिए लाभफुल होगी, यानी यूजफुल होगी, जबकि अगर 1 से कम होती है तो यह क्या होता है, लॉस पहुंचाती है हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइडियल NPK रेशियो फॉर सीरियल्स, जो हमारे जो सीरियल्स क्रॉप होती थी उनके लिए NPK का रेशियो क्या रखा जाता है, क्या रखा जाना चाहिए, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास तीनों का क्या अनुपात रखना चाहिए, तो याद रखना सीरियल्स क्रॉप की अगर बात करते हैं तो याद रखना कि 4:1 कौन सा रखना चाहिए, NPK का रेशियो 4:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ ग्रासेस इज नोन एज, जो हमारे घासों की खेती करना क्या कहलाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है, तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा, एग्रो फॉरेस्ट्री यानी फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चरल मेनली एज ग्रो फॉर ईट इज क्लासिफाइड एज, यानी खेती मुख्यतः किसके लिए करना, खाने के लिए खेती करना मुख्यतः क्या कहलाता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाता है ग्रो फॉर ईट के लिए। ठीक है, खाने के लिए जो खेती करते हैं तो उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाता है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर फ्लोवरिंग इज नोन एज, यानी लो टेम्परेचर पर यानी फ्लोवर का ट्रीटमेंट करना क्या कहलाता है, वर्नलाइजेशन कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हुआ, वर्नलाइजेशन फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि शॉर्ट ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा की ज़्यादा फ्लोवर हो और उससे ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन कंटेंट इन लूट्स एंड ड्राई मैटर इज,
यानी हमारे रिंस का के जो ड्राई मैटर में कितना प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है, तो 18 से 22% प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फोटोसिंथेसिस इज, जो हमारे प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन का अच्छा स्रोत क्या होता है। इसने पूछा है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का अच्छा स्रोत क्या होता है, तो याद रखना जो वाटर होता है ना हमारा, जो जल होता है H2O, तो इसी से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, इससे लगातार फोटोसिंथेसिस क्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट सुटेड क्रॉप फॉर सेलाइन एंड एल्काइलाइन सोल, जो सेलाइन यानी अम्लीय तथा लवणीय सारी है, सॉरी ये इसका नाम क्या है, एल्कलाइन सारी है यानी लवणीय क्षारीय मृदा के लिए कौन सी क्रॉप बेस्ट रहेगी, तो याद रखना जो हमारी चुकंदर है या फिर सुगर बीट है, तो वह किसके लिए, सेलाइन और एल्काइलाइन दोनों ही कंडीशन में आसानी से ग्रो की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो इज़ द फाउंडर ऑफ अमूल, अमूल का जो फाउंडर है यानी किसने इसका नाम दिया, यानी जो फाउंडर होता है मैन सीईओ होता है, तो वह कौन है, इसका वर्गीज कुरियन है, और वर्गीज कुरियन का संबंध किससे भी है, फ्लड यानी जो हमारा किससे संबंधित है, ये दूध से, दूध क्रांति से भी संबंधित किसका है, वर्गीज कुरियन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडिकेटर प्लांट ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, यानी किस प्लांट को नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी का इंडिकेटर भी माना जाता है, जो हमारी कॉलीफ्लावर होती है यानी पत्ता गोभी होती है, कॉलीफ्लावर जो पत्ता गोभी होती है वह किसका नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी का इंडिकेटर प्लांट माना जाता है। और अब बात करते हैं कि इंडिकेटर प्लांट क्या होते हैं, यहाँ पर एक टर्म यूज की गई इंडिकेटर प्लांट, तो इंडिकेटर प्लांट क्या होते हैं, याद रखना कि जो प्लांट या क्रॉप आसानी से कोई भी माल नाइट्रोजन कमी होती है इसके तुरंत लक्षण पड़ते हैं, यानी थोड़ी सी कमी होने पर क्या होते हैं लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तो वे क्रॉप ही क्या कहलाती है, इंडिकेटर प्लांट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर लाइज बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो यानी वह कौन सा वाटर है जो फील्ड कैपेसिटी तथा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दोनों के मध्य में पाया जाता है, तो दोनों के मध्य में कौन सा पाया जाता है, हमारा अवेलेबल वाटर जो पौधों को प्राप्त होता है, अवेलेबल वाटर फील्ड कैपेसिटी तथा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दोनों के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जो टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वे कितने हैं, 15 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल प्लोविंग इज पॉसिबल बाई ऑफ, किसके द्वारा जो केमिकल जुताई है वह किसके द्वारा पॉसिबल है, तो याद रखना हमारा जो पैराक्वाट है, तो इसके द्वारा केमिकल प्लोविंग संभव है, क्योंकि जो पैराक्वाट है ये एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, क्या है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, और कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ दिए, यानी कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ेगी, और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड के तौर पर पैराक्वाट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने सोल्व किए पूरे GRF 2014 का पूरा सोल्व क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व कर लिया है, अगर इसके बाद में भी आपको, तो हमारा क्वेश्चन पेपर यहीं एंड होता है, तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन